आज का हमारा विषय है कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। दिया गया फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स के रेखीय निरूपण को ही कर्व स्केचिंग या ग्राफीय अनुरेखण कहते हैं। इस कार्य के लिए हम फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स में x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करेंगे तथा इस प्रकार प्राप्त x व y के मानों को ग्राफ पर आलेखित करेंगे। ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें OA x अक्ष को निरूपित करती है, OC y अक्ष को निरूपित करती है, OB भी x अक्ष को निरूपित करती है तथा OD भी y अक्ष को निरूपित करती है। OB तथा OD पर क्रमशः x तथा y के मान ऋणात्मक होंगे। सरल रेखा जो दो चरों x व y की एक घातीय समीकरण होती है उसको हम मानक रूप से निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m सरल रेखा की ढाल अर्थात सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर बनाए गए कोण की टेन थीटा यानी कि स्पर्श ज्या का मान होता है तथा c सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी समीकरण में स्लोप यानी किसी सरल रेखा के लिए थीटा का मान जीरो होगा तो ढाल यानी कि टेन थीटा बराबर जीरो होगी अर्थात सरल रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी तथा हम उसको निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी। इसी प्रकार यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो ढाल यानी कि टेन 90 बराबर अनंत होगी तो सरल रेखा y अक्ष के समानांतर होगी और इसे हम ग्राफिकली निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से हम x, y जो कि दो चर हैं उनसे हम स्लोप तथा अंतःखंड का मान ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 यह एक समीकरण है। इसको हम जो मानक समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उससे तुलना करने हेतु निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ढाल m बराबर माइनस 2/3 होगी तथा c अंतःखंड बराबर 5/3 होगा। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरणों के लिए भी स्लोप व इंटरसेप्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं।